यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी शब्द का मतलब देखते हैं, इंट्रोडक्टरी शब्द को इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्टरी मतलब परिचायक। इंट्रोडक्टरी इट का देयर का यूज को डमी यूज भी कहते हैं। डमी मतलब जो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो पुतला बुत टाइप का जो रखा होता है। कब होता है इसका यूज, तो पहले इट को देखते हैं। मान के चलो कोई सेंटेंस लिखा है, कोई सेंटेंस लिखा है कि गर्मी है। अब देखो हिंदी भाषा में तो ये वाक्य हो गया कि शब्दों का समूह हो गया, विराम चिन्ह है अंत में, वाक्य हो गया। इंग्लिश में इसको बनाए तो हॉट इज, हॉट मतलब गर्मी, इट मींस है, और फुल स्टॉप लगा दें तो सेंटेंस ये सही नहीं बन रहा है, कंपोजिशन गलत हो रही है। क्यों गलत हो रही है कि पहली चीज तो दिखाई पड़ रही है कि हेल्पिंग वर्ब पे सेंटेंस खत्म हो रहा है, और हेल्पिंग वर्ब पे जनरली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फिनिश होता है, विस्मयवाचक, जिसको विस्मयादि बोधक बोलते हैं कि वाह कितनी सुंदर इमारत है, ओह कितना डरावना दृश्य है, व्हाट अ नाइस बिल्डिंग इज, ठीक है। या तो वो सेंटेंस खत्म होते हैं, या जो क्लॉज की कंडीशन में सेंटेंस आते हैं लास्ट में जाकर के हेल्पिंग वर्ब को फिनिश हो जाते हैं। इन दो सिचुएशन के अलावा द सेंटेंस नेवर एंड्स विद द हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब दूसरा और देखते हैं इसको, एक दूसरा एग्जांपल उधर की साइड में देख लेते हैं। एक कहानी है, एक कहानी है। अब एक कहानी के लिए वर्ड हो गया अ स्टोरी, और है के लिए हो गया इज, और फुल स्टॉप लगा दिया। ये सेंटेंस भी गलत हो गया, वही सिचुएशन रिपीट हो रही है। अब इनमें कॉमन चीज देखो, दोनों सिचुएशंस में दोनों की केस स्टडी करो कि यहां पर सब्जेक्ट हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। भाई सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या होती है जरूरत, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, ये सारा एक सीक्वेंस होता है। इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं है। अब क्या करें हम यहां पर, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है उसको। अब इस कंडीशन में क्या होता है, दो चीजें हाथ खड़े करके हमारे सामने आ जाती है। इट आ जाता है और बोलता है साहब आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, काय के लिए, सब्जेक्ट बनने के लिए। देयर भी उधर से आ जाता है, देयर कहता है भाई मैं भी तैयार हूं सब्जेक्ट बनने के लिए इस कंडीशन में। तो हम लोग उससे कहते हैं कि भाई इट तुम तो ऑलरेडी एक प्रोनाउन हो, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम होता है, और जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं उनमें आई वी यू दे ही सी इट, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, वो सॉरी ये पर्सनल प्रोनाउन की लिस्ट होती है, और इट तुम तो पर्सनल प्रोनाउन हो, तुम्हारा हिंदी में मतलब निकलता है यह। और बोले देयर, देयर तुम तो एक एडवर्ब हो, क्रिया विशेषण हो। कैसे एडवर्ब हो देयर, तुम प्लेस डिनोटिंग एडवर्ब हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो, स्थान सूचक क्रिया विशेषण हो, जो स्थान बताते हो, और तुम्हारा मतलब हिंदी में निकलता है वह। तो भाई तुम यहां पर कैसे फिट हो सकते हो सब्जेक्ट के रूप में। तो दोनों लोग बोले कि भाई एक काम करो कि हम जब यहां इस सिचुएशन में आएंगे आपका काम चलाने के लिए, सब्जेक्ट बनने के लिए, तो हम अपना अर्थ खत्म कर देंगे। हमारा जो प्राथमिक अर्थ होता है, जो मूल अर्थ होता है, उसको हम खत्म कर देंगे। हम यहां पर खाली हो जाएंगे, एम्प्टी हो जाएंगे, वैकेंट हो जाएंगे। एक इंट्रोडक्शन की तरह यहां पर रख दिया जाए हमें, इंट्रोडक्टरी यूज इस चीज को कहा जाता है। तो यहां पर अब इट को कहां रखें, देयर को कहां रखें, अब दो तरह की सिचुएशन हो रही है ना। तो इट और डिवाइड, इट और देयर का डिवाइड कैसे किया कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, द सेंटेंसेस वेयर देयर इज नो सब्जेक्ट। तो अब उन सेंटेंस में डे, डेट, टाइम, वेदर, क्लाइमेट, इटीसी, ये चीजें बताई जाए अगर उनमें, तो उनमें सब्जेक्ट किसको बना देते हैं, इट को सब्जेक्ट बना देते हैं। मतलब व्हेन देयर इज नो सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, सेंटेंस में जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, वी विल यूज इट एज इंट्रोडक्टरी, मींस देयर इज नो प्राइमरी मीन, नो सेंस ऑफ इट इन दिस सिचुएशन, एंड इट टेक्स प्लेस व्हेन डे, डेट, टाइम, वेदर, इटीसी थिंग्स आर शोन इन द सेंटेंस। इट को सब्जेक्ट बना दिया। अब हेल्पिंग वर्ब ये यहां पर इज आर एंड में से ये क्या आ गया, इज आ गया, इट इज हॉट, फुल स्टॉप। अभी गर्मी है तो अभी के लिए जोड़ देंगे इट इज हॉट नाउ, कल गर्मी थी तो थी के लिए वॉज आ जाएगा, इट वॉज हॉट यस्टरडे,
ऐसे करके सेंटेंस बनते जाएंगे। 12 बजा है, इट इज 12 ओ क्लॉक, सोमवार है, इट इज मंडे, आज सोमवार है तो टुडे इज मंडे नहीं। देखिए भाषा के दो प्रकार होते हैं, एक तो बोला जाने वाला बोली जाने वाली भाषा जिसको स्पोकन इंग्लिश कहते हैं, एक लिखी जाने वाली भाषा जिसको रिटन इंग्लिश कहते हैं। जो रिटन इंग्लिश होती है, रिटन इंग्लिश का जो फॉर्म होता है लैंग्वेज का, वो होता है फॉर्मल, औपचारिक रूप होता है। जो स्पोकन फॉर्म होता है किसी लैंग्वेज का, वो कैसा होता है, वो अनौपचारिक फॉर्म होता है। तो स्पोकन फॉर्म में मतलब इनफॉर्मल स्टाइल में तो ये चीजें थोड़ी सी चल जाती हैं कि भाई ओनली सेंस शुड बी क्लियर, भाव स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन रिटन इंग्लिश की यदि बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रामर, व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सरसाइजेस इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, देन वी विल हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ ग्रामर, वी विल हैव टू गो विद मींस गो अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर टुडे इज मंडे या टुडे इज हॉट नहीं करेंगे, इट से स्टार्टिंग करेंगे, इट इज हॉट टुडे। ठीक है, तो भाषा की बात चल रही है। एक और बड़ा अजीब क्वेश्चन आया था अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि कहाँ की है साहब, की इंग्लैंड की है। तो एक बात दिमाग में बिल्कुल सुनिश्चित कर लो, क्लियर कर लो, इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट ऑफ इंग्लैंड लैंग्वेज। इसका मतलब है कि इसका जो ओरिजिन है, स्रोत है, वो इंग्लैंड कंट्री नहीं है। इंग्लिश इज वेस्टर्न जर्मन, वेस्टर्न जर्मन, इसकी जो उत्पत्ति है वेस्टर्न जर्मन से हुई है। अब से ध्यान रखना कि इंग्लैंड की भाषा, इंग्लैंड की उत्पत्ति मत कह देना इसको, ये मूल रूप से ये इसकी उत्पत्ति जो हुई है वेस्टर्न जर्मन से हुई है। अब इस चीज को डिटेल में आगे समय सिचुएशन आने पर पढ़ाएंगे आगे, अभी इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये इट निबट गया, फिनिश हो गया, देयर को देख लो। अब इन चीजों के अलावा बाकी सारी चीजों में अगर सब्जेक्ट ना हो तो देयर को सब्जेक्ट बना दो। जैसे एक कहानी है तो सब्जेक्ट बना दिया देयर, इज है, क्या है, अ स्टोरी, फुल स्टॉप, सेंटेंस हो गया। तो देखेंगे यहां पर इट का और देयर का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, यहां इट का मतलब यहां नहीं निकलेगा, देयर का हिंदी मीन्स वहां नहीं निकलेगा, कुछ नहीं, ये न्यूट्रल हो गया बिल्कुल। इज अ स्टोरी, एक कहानी है, ये देयर सब्जेक्ट हो गया। इट इज हॉट, इज हॉट, गर्मी है, इट यहां पर न्यूट्रल हो गया, है ना, कोई अर्थ नहीं निकला। तो ये इट का हो गया। अब देयर में दो पार्ट के सेंटेंसेस को भी देख लो, एक कहानी है, या अब दूसरा सेंटेंस, मेरे दिमाग में एक कहानी है, मेरे दिमाग में एक कहानी है। अब ये बड़े से सेंटेंस को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो अपने माइंड में। एक कहानी है मेरे दिमाग में, तो उधर से उठा लो, देयर को सब्जेक्ट बनाओ, देयर इज अ स्टोरी, एक कहानी है, कहा मेरे दिमाग में, तो इन माय माइंड, ऐसे करके ये दो पार्ट वाले सेंटेंस हो गए। जैसे सिंगल सिटीजन है, सिटीजनशिप है, इकहरी नागरिकता है, तो देयर इज सिंगल सिटीजनशिप, या देयर इज द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। अब दूसरा सेंटेंस, भारत में इकहरी नागरिकता है, देयर इज सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो देयर इज द सिस्टम ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप इन अमेरिका, इन द यूएसए। तो दो पार्ट वाले सेंटेंस हो गए। एक तीसरा स्टाइल और तीसरा तरीका, तीसरी शैली और देखो इसकी, वर्ब आ जाए जब इस प्रकार की सिचुएशन में, देखना कि पहले नॉर्मल देखते हैं, कुछ काम है, वर्क्स, वर्क, वर्क्स, कुछ काम है, तो देयर सब्जेक्ट बनाया, देयर आर हैं कुछ काम, देयर आर सम क्या होगा आगे, वर्क्स, फुल स्टॉप। अब दूसरा सेंटेंस देखो, करने को या करने के लिए कुछ काम है। देखो पार्ट्स यहां भी दो हो रहे हैं, खंड यहां भी दो हो रहे हैं, कुछ काम है और करने को या करने के लिए, उसी तरह से बनाएंगे, देयर को सब्जेक्ट बनाएंगे, देयर आर है, क्या है भाई, कुछ काम, कुछ टास्क, देयर आर सम टास्क्स, देयर आर सम वर्क्स। ठीक है, अब करने को या करने के लिए, इस कंपोजिशन को कैसे बनाएंगे हम, तो इस कंपोजिशन के लिए आप एक बॉक्स में डिजाइन कर सकते हो दो फॉर्मूला को, बहुत काम देंगे आपको एकेडमिक कॉम्पिटिटिव स्पोकन हर प्रकार की इंग्लिश में आपको, कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
और एफ ओ आर प्लस फोर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब इनका जो हिंदी मीन निकलेगा, हिंदी कंपोजिशन में इसका मीन निकलेगा ने को, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिख सकते हो, इसका मीन निकलेगा ने के लिए। ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इसको समझ लो, अकॉर्डिंग टू ग्रामर समझ लो कि फॉर एक प्रिपोजिशन होता है और किसी प्रिपोजिशन के बाद कोई वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में आती है। बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। अब आप कहोगे सर टू भी तो प्रिपोजिशन होता है, फॉर इनटू टू टुवर्ड्स विद अमोंग बिटवीन अलोंग बाय है ना अंडर ऑन अपॉन बीनीथ एबव, ये सारे प्रिपोजिशन होते हैं। तो टू के बाद तो ये फर्स्ट फॉर्म में आ रही है वर्ब। तो देखो टू प्रिपोजिशन के अलावा एक और ये इन्फिनिटिव फॉर्म भी होता है जो क्रिया का मूल रूप होता है, बेस फॉर्म होता है जो। तो यह इस स्ट्रक्चर में टू प्लस वी वन ने को, तो देयर आर सम वर्क्स। अब चाहे तो यहां पर कर दो आप टू डू करने को, चाहे आप यहां पर लिख दीजिए फॉर, फॉर प्रिपोजिशन लगा दिया, प्रिपोजिशन के बाद डू इज मेन वर्ब तो उसमें आई एन जी पुट कर दिया डूइंग। देर आर सम वर्क्स टू डू, जैसे खाने को डोसा है तो देयर इज डोसा टू ईट, या देयर इज डोसा फॉर ईटिंग। तो इस प्रकार से दोनों कंपोजिशन बन जाती है। अब इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके थैंक यू।